राम राम जी भाई भाई, मैं आपका अपना राजा गुजर भाई। यूपी में इलेक्शन चल रहे बहुत तगड़े वाले और बहुत बेहतरीन सिस्टम चल रहा भाई। एक वीडियो वायरल हो रही भैया खान साहब की, आपने भी देखी होगी और न देखी तो भैया हम दिखाई देवे। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ भैया या खान साहब की, आपने वीडियो देख ली, एक बात बताओ, न तो हेलमेट न बालक पे न यहाँ पे, ठीक है आप समय पतो है रूल रेगुलेशन क्या है। सरकार कोई भी हो, सरकार हिंदू हो मुसलमान हो भैया, सरकार तो खैर सबके लिए एक समान ही होवे, वे सोच सोच के फर्क हो एक रहे, ठीक है भैया। चलान हमारा भी कटेगा अगर स्कूटी पे अगर हम चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे अगर हम चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं। एक बात बताओ भाई, किसको चलान न काटे प्रशासन? कोई ऐसा तुमने देखो है कि भैया अभी योगी वाला मैटर चल रहा है तो यूपी में हिंदू के किसी को चलान नहीं कटते, मुसलमानन के चलान कटे, किसी ने देखो ऐसो? किसी ने देखो हो तो भैया बताओ हमें भी, एक बार हम भी देखें भैया। और आपके सामने है अगले के पास हेलमेट नहीं है, चलान कटेगो नहीं तो और क्या होएगा? वाके बाद अभी वो धमकी दे रहा है, सीधी सीधी धमकी है भाई कि भैया हमारी सरकार आएगी ना तो तब बताएंगे हम तो। भैया कौन सी सरकार भैया तेरी? और ऐसी कौन सी सरकार पहले भी आई ही जो कि भैया मुसलमानों के चलान न काटे और हिंदू के चलान काटे, और अब हिंदू के चलान न कट रहे मुसलमानों के चलान कट रहे? भाई ये सोच सोच को फर्क है। हम हमेशा यही बात समझा मैं भैया, एक गैल रहो, मिलके रहो, बढ़िया रहोगे, अच्छे काम करोगे, बढ़िया रहोगे। ये कुछ लोगों की सोच है कि भैया ये हिंदू है मुसलमान है, ये भाई बहुत गंदी सोच है। आपस में मिलजुल के रहना बहुत बड़ी बात है और आपस में ही आगे देश भी जब ही बढ़ेगा, जब आपस में मिलजुल के रहेंगे या तरीका सु करोगे। तो भाई आज के टाइम पे आप पतो है योगी सरकार में भाई साहब क्राइम बंद हो गए, अच्छे सो आदमी खा कमा रहे हैं। पहले यूपी जाते लोगों ने डर लगे कर रहा कि भैया कोई छीन लेगो, कोई कुछ कर लेगो, है जी। आज के टाइम पे लोग आराम से जावे भी हैं, आवे भी हैं, काफ़ी सारी सुविधा हो गई हैं। तो भैया ये चीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा गलत है जो नू कहवे सरकार आण दो और ये करेंगे। एक बात बताओ, सरकार आ गई तो या का मतलब तो किसी को चलान नहीं कटेगो, कोई भी उल्टो सीधो चलेगो, कायदा कानून नहीं रहेगा, तो यूपी में तरक्की आएगी कैसे? फिर हर आदमी है यूपी में तरक्की चाहिए, भाई साहब यूपी में फलाना काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, इतना सिस्टम अगलो कह रहो, खुलेआम कह रहो, या बात है इनके माइंड में क्या? माइंड में तो यही है कि भैया कल को हमारी सरकार आएगी तो हम तो खुले डोलेंगे, किसी ही मारेंगे, कुछ भी करेंगे। भाई बात सरकार की नहीं है, बात सोच सोच की है। आज के टाइम पे कायदा कानून लिमिट हर चीज है, हर किसी की जमीन है, हर किसी की प्रॉपर्टी है, आपस में क्या लड़ाई ना होती? क्या मुसलमान मुसलमानों की लड़ाई नहीं होती क्या? जब आपस में लड़ाई होगी एक जमीन के किसी मुद्दा पे, आपस में हिंदू हिंदू में लड़ाई न होती, रोज हर घर में होवे, भैया 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 में लड़ाई होवे, हिंदू हो मुसलमान हो परिवार हो सबके में लड़ाई होवे, जब कौन बचाएगा भैया आपस में? जब लड़ाई होगी, जब कायदा कानून ही न रहेगा। ये लोगन की भाई सोच बड़ी छोटी है। अभी वीडियो देख के भाई बड़ो बुरो लगो मुझे तो, कि मतलब सरकार आने दो भाई, जब देखेंगे सरकार आके कहा करेगी, घंटा न पड़े सरकारन पे। कायदे कानून जैसे थे हैं और वैसे ही रहेंगे,
तभी देश चल सके, और हमें आपस में सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हम गलती करते हैं तो भाई चलोन कटता है तो ठीक है, यू नो है सरकार हमारी है तो भैया कैसे चलोन काट देगा कोई, वो भैया गलती है हमारी, बात खत्म। या तो कहनी चाहिए भाई हेलमेट नहीं पहन रहा, कोई बात नो जी हम गलती मानते हैं और आगे से पहनेंगे, और जो आपको हेलमेट को चलान हो वाह काट दो, कोई नंबर को गलत लिख रहा हो वाह काट दो, कोई बात नहीं। ये कौन सा सिस्टम है भाई, हमें तो देखो मजा नहीं आया इस वीडियो को देख के। तो भैया यूपी वाले ने भी कह देता हूँ भाई अपने सिस्टम को तरीका से चला लेना जैसा आप सही लगता हो कि भैया यूपी में ये चीज़ होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, तो अपने हिसाब से योगी लगे तो योगी वोट दो भाई जरूर। हम तो खुली कह भैया जो बात है, क्योंकि मेन चीज है भाई सेफ्टी, बहन बेटी ने की, बालक बच्चे ने की, अच्छे स्कूल, अच्छे रास्ते, अच्छी सड़क, अच्छे फसल, खेती बाड़ी, हर चीज को बढ़िया हिसाब किताब होना चाहिए, जिसे लगे कि भाई ये सरकार बढ़िया है, ये इस चीज को कर सकती है, भाई उसे वोट देना बात खत्म। गुंडा राज मत करना भाई कि आने के बाद यू ऐसे चलो न कटेंगे और फिर जब देखेंगे तो भैया ये तो बहुत गलत है भाई जो बात है। ठीक है भैया, राम राम जी।